हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय होम गार्डन सोइल चैनल। आज आप सबको दोस्तों मैं कुछ मिर्ची के प्लांट के बारे में बताऊंगा, जो इसमें फ्लावरिंग आती है वो क्यों गिर जाती है, और जो फूल होते हैं वो मिर्ची में कन्वर्ट क्यों नहीं होते, और कुछ इसमें कीड़ों की प्रॉब्लम क्यों आती है, माइट्स की प्रॉब्लम जैसे क्यों आती है। वो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्लांट पर कितनी ज़्यादा इस पर मिर्चियाँ लग रखी है, कुछ ग्रीन मिर्चियाँ कुछ रेड मिर्चियाँ लग रखी है इस पर। और जैसे आप ये देख पा रहे हैं मैंने इसका ग्रो बैग था वो रिमूव कर दिया है, मैंने इसे 16 इंची के उसमें लगा रखा था ग्रो बैग में। आप जब भी इसे गमले में लगाए 15 या 16 या 17 इंची के पॉट में या ग्रो बैग में या प्लास्टिक का पॉट आता है उसमें लगा सकते हो, वह सबसे बेस्ट मिट्टी का पॉट रहता है। ये मैंने इसलिए रिमूव करा है, जो मेरे प्लांट की ये रूट बाउल था इसमें रूट ना ज़्यादा डेवलप हो गई थी, जो उसकी जड़ें थी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, इस करके इसकी ग्रोथ रुक गई थी, नवे शूट्स नहीं निकल रहे थे इसके अंदर। इस करके दोस्तों इसमें कुछ माइट्स की भी प्रॉब्लम आने लग गई थी, कुछ कीड़ों का भी अटैक हो गया था, और जो इसके पत्ते थे ब्राउन ब्राउन येलो येलो होने लग गए थे। तो ये देखिए आप इसका रूट बाउल देखिए, इसे बोलते हैं रूट बाउंडिंग। ये देखिए आप सबके प्लांट में जब रूट बाउंडिंग होती है तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आप इससे बचने के लिए आप जैसे इसकी गुड़ाई कर सकते हो या आप इसे रिपोर्टिंग कर सकते हो बड़े गमले में। जैसे आपने 12 इंची के गमले में लगा रखा है तो आप उसे रिपोर्टिंग कर सकते हो 14 या 16 इंची के या 15 इंची के गमले में उसे रिपोर्टिंग कर सकते हो। हल्की हल्की जो उसकी रूट्स होती है उसको जो ओल्ड जो पुरानी उसकी जड़ें होती है उसको थोड़ा आप कट कर सकते हो कैंची से, और जो उसकी मिट्टी होती है वो भी रिमूव कर सकते हो आप। और जो मिर्ची का प्लांट होता है ज़्यादातर उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, 6 से 7 महीने होती है। जो अच्छी वैरायटी के बीज होते हैं वो चल जाते हैं कम से कम साल या 6 महीने 7 महीने चले जाते हैं वो। और जब भी आप अपने घर में मिर्ची का प्लांट लगाएं तो आप हमेशा ऐसे फर्टिलाइज़र देते रहें, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र की कमी होनी नहीं चाहिए। आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, और आप इसमें वर्मी कंपोस्ट क्या गाय का गोबर डी कंपोस्ट होना चाहिए पूरा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। कीड़ों से बचने के लिए आप इसके अंदर नीम खली का यूज़ कर सकते हो, और नीम ऑयल आता है नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो आप, पानी में मिला के इसके पत्तों पे स्प्रे कर सकते हो। और जो फंगस की प्रॉब्लम आती है तो आप जो नीम वो होती है नीम खली का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर इसकी मिट्टी में। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर कितनी ज़्यादा मिर्चियाँ लग रखी है। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।